मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिटल वाल्ड की सैर कराने वाली हूँ। मिटल वाल्ड एक छोटा सा गांव है बवेरिया वाल्ड्स में। इसे द स्टोरी बुक ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। यूं तो हर बार यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन भी होती है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं म्यूनिक से गार्मिश और गार्मिश से दूसरी ट्रेन लेकर मिटल वाल्ड। तो चलिए आज आपको मिटल वाल्ड की सैर कराती हूँ। गार्मिश से ट्रेन बदलकर अब हम पहुंचे हैं मिटल वाल्ड पर। सबसे पहले अभी हम ओल्ड टाउन देखेंगे। इस सिटी को स्टोरी बुक ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की स्टोरी बुक। मिटल वाल्ड को 18वीं शताब्दी में जर्मन कवि योहान वोल्फगांग ने कहा था, अ पिक्चर बुक कम्स अलाइव। शायद क्योंकि यहाँ की दरों दीवारें भी कहानियां सुनाती हैं, इसीलिए इसको द स्टोरी बुक ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। अभी मैं खड़ी हूँ सेंट पीटर एंड पॉल चर्च के बाहर। ये चर्च अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, तो अगर आप मिटल वाल्ड आते हैं तो प्लीज इस चर्च को जरूर देखिए। मौसम बहुत ही सुहाना है और मिटल वाल्ड का शहर घूमने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पर। कारवेंडल बांध से हम जाएंगे पर्वतों की चोटी पर और वहां पर होंगे बहुत ही खूबसूरत नजारे और ढेर सारा स्नो। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पर्वतों की सैर करने के लिए? चलिए। वो दूरबीन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? वहाँ पर जेम्स बॉन्ड की फिल्म का शूटिंग हुआ था। आज भी वहाँ पर उस फिल्म की कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो देखें हम, चलिए। कारवेंडल की विशाल दूरबीन में है एक अनोखी पर्यावरण की प्रदर्शनी, यानी कि नेचर्स एग्जीबिशन। यहाँ पर कौन से जीव जंतु किस ऋतु में पाए जाते हैं, कौन से फूल, कौन से पेड़ पौधों की प्रजाति किस ऋतु में पाई जाती है, इन सब की जानकारी है। अब हम पहुंच गए हैं कारवेंडल पीक्स पर। यहाँ पर मौसम इतना सुहाना होने की वजह से पीक्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं और बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज है। आपको पूरी बवेरियन अल्प्स की श्रृंखला यहाँ से दिखाई देगी और यहाँ की ऊंचाई लगभग 2900 मीटर की है। यहाँ पर अगर आप आए तो आप वेदर चेक करके जरूर आइएगा, क्योंकि अगर वेदर अच्छा हो तो यहाँ की पीक्स बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो इन ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहती हूँ। आज के दिन का ये हमारा आखिरी स्पॉट है। तो अगर आप मिटल वाल्ड आते हैं तो रोपवे से यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ के नजारे तो अविस्मरणीय है।
तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, एक नए किस्से या कहानी को बयां करने के लिए। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस तरह की जर्मनी के बारे में और जानना चाहते हैं आप अपनी भाषा में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नए किस्से कहानी, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।